साथियों, स्वागत है फिर से आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है बात कर रहे हैं कि मारुति सुजुकी का जो है अप्रेंटिसशिप में सैलरी स्लिप यानी स्टाइफंड कितना मिलता है। हम जैसे आपको बता रहे थे कि 18,000 रुपये मिलता है यानी कि सैलरी मिलती है, तो उसी के बारे में पूरी डिटेल है, क्योंकि कैंडिडेट को लगता है कि ये फेक वीडियो है तो विश्वास नहीं करते। इस वजह से जो है हमने सैलरी स्लिप, प्रॉपर सैलरी स्लिप मंगाई है कैंडिडेट से, और जो है पूरी डिटेल देंगे कि क्या क्या कटता है, कितनी जो है सैलरी आपको आपके इनहैंड अकाउंट में आती है, तो कैसे भर्ती होते हैं, और उसके बाद इसकी जो है संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे। तो वीडियो जो है शुरुआत से अंत तक देखिएगा। जैसे आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपको देखना है स्टाइफंड आपको कितना मिलता है और सारी डिटेल आपको। जैसे पता है कि इस चैनल पे जो है आईटीआई से रिलेटेड, रेलवे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, ऑल अबाउट जो है आईटीआई से रिलेटेड हम सारी जानकारी देते हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगता है तो। और हमारा जो है एक टारगेट 5K का चल रहा है यानी 5,000 सब्सक्राइबर का, तो उसमें जो है हमारी मदद करिए, हमारा जो है आप सपोर्ट कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हम सैलरी स्लिप आप ओपन करेंगे पीडीएफ उसका, क्योंकि जो है कैंडिडेट के मेल आईडी पे जो है ये भेजी जाती है, तो पीडीएफ ओपन करके आपको सारे डिटेल देते हैं। ये जो है पे स्लिप आप देख लीजिए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरफ से है जो पे स्लिप जो है जुलाई मंथ के लिए है। ये आप देख रहे होंगे डिटेल, यानी मैंने हाइड कर दिए किसी भी जो है कैंडिडेट की हाइट जो है, यानी कि डिटेल सारी, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, पीएफ की बैलेंस की बात करें, और उसके बाद नाम, आधार कार्ड, पैन नंबर, सारी डिटेल दे रखी, इस वजह से मैंने हाइड कर दिया है। आगे बात कर लेते हैं जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें 1 मार्च 2023 की है, और जो है डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 5 सितम्बर 2002 है। ये क्यों बता रहे हैं कि जो कैंडिडेट इसमें यानी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं वो 18 से जो है आपकी एज 23 होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको बता दिया है, तो इस पे जो है आपको ध्यान देना है। आगे बात कर लेते हैं कि जो है ये आपने डिटेल देख ली, और उसकी पेमेंट डेट की बात करें तो आपकी जो है लगभग 31 तारीख तक जो है आपकी पेमेंट आ जाती है आपके अकाउंट में। आगे बात कर लेते हैं जो है कि कितना जो है क्या क्या कटता है, पूरी जो है हम उसकी बात कर लेते हैं कि ये जो है 18,700 जो है 95 रुपये सैलरी थी, उसके बाद इनहैंड में आई है 18,509 रुपये। कितना कटा, क्या क्या चार्जेस लगे, वो उसकी हम डिटेल बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है रिवार्ड की बात करें, सजेशन रिवार्ड होता है, इसका फॉर्म फिल किया जाता है, एक सजेशन का 20 रुपये मिलता है, ये आप फिल करते हैं या जो है आपका सुपरवाइज़र फिल करता है फॉर्म। स्टाइपेंड की बात करें 13,000 जो है 835 रुपये आपका स्टाइपेंड रहेगा। बी शिफ्ट अलाउंस की बात करें 480 रुपये मिला है कैंडिडेट को, जैसे इसमें सी शिफ्ट भी होता है तो उसका जो है और इसमें पैसा ऐड हो जाता। उसके बाद बात करें कि ये जो है अटेंडेंस जो है रिवार्ड मिला है 4160 रुपये, और मील अलाउंस मिला है 300 रुपये। उसके बाद करें आपका कैंटीन चार्ज जो लगा है 205 रुपये, और जो है यानी खाने का, फिर उसके बाद जो है 79.92 रुपीज़ टी का मिला लगा है जो है 24 दिन का। सारे टोटल यानी कि ऐड करेंगे सारा हटा के जो है आपके इनहैंड जो है अकाउंट में कितना आया है, लगभग 285 रुपये आपका टोटल कट हुआ है। उसके बाद जो 18,509 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। जैसे हम बता रहे थे कि 18,000 रुपये इसकी सैलरी आती है, यानी कि स्टाइपेंड लगभग 18,000 रुपये मिलता है, तो कैंडिडेट जो है एक विश्वास होता है वो नहीं कर रहे थे कि हाँ जो है इतना कौन सी कंपनी देती है। तो आपका स्टाइपेंड यानी अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड 18,000 रुपये तक ये रहता है। इसमें जो है अभी सी शिफ्ट होती तो उसका भी अलाउंस, क्योंकि जो है उसमें एक दिन का 80 रुपये आपका अलाउंस जुड़ता है, इस वजह से जो है आपको और जो है 400, आप एक सप्ताह भी चल करते तो जो है आपका 480 रुपये हो जाता, वो भी इसमें आप ऐड कर देते तो ये हो जाता लगभग 19,200 रुपये तक। तो जो है ये आपको ध्यान देना है।
क्योंकि जो है आपको फेक वीडियो नहीं है, तो आपको विश्वास के साथ जुड़े रहना है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो है कैंडिडेट जैसे अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो उसका भी फॉर्म आया है। फॉर्म जो है चैनल पे विजिट करके जो है आप देख सकते हैं, उसके पे जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। नॉर्मली सारे डिटेल देना है, आपने फ़ोटो अपलोड करना है, और उसके बाद मार्कशीट की बात करें, मार्कशीट अपलोड करना, सारे डिटेल देने हैं। जो कैंडिडेट की 2023 में फॉर्म यानी कि एग्ज़ाम दिया है, वो कैंडिडेट जो है फॉर्म अभी नहीं फिल करेंगे, अभी उनकी मार्कशीट नहीं आई है। 17 यानी 17 सितंबर को मार्कशीट आनी है, तो जब वो मार्कशीट आ जाएगी, उनको मार्कशीट मिल जाएगी, तो जो है आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद करें टेलीग्राम, जैसे ही आपको बता रहे थे टेलीग्राम है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जो है आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो है हम प्रॉपर कोई भी लिंक, कोई भी कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो उसको जो है जल्द से जल्द उसमें डालने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप एक प्रॉपर बनाएंगे, उसको भी यानी कि उसकी भी लिंक देंगे नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा, तो जो है उस पर आप ज्वाइन करिए, उसको भी आप ज्वाइन करिएगा। तो कुछ लोग ऐसा होता है टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, तो वो जो है व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।